हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे और उसमें भी साधारण क्वेश्चन। आइए देखते हैं, पहले कंसेप्ट देखेंगे फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज, इसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, हम लोग शॉर्ट में इसे एसआई कहेंगे। साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहेंगे? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की डिफिनेशन देखें, ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने किसी आदमी से 1000 रुपया लिया, विद्यार्थी 1000 रुपया लिया और साल के अंत में हमें जो वापस करना होगा वो 1100 रुपया वापस करना होता है। तो अगर 1100 रुपया वापस करना होता है तो ये 1000 रुपया जो हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, और 1100 रुपया हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, इतने में से 1000 घटा लेंगे तो ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपया। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए बस। हाँ, ये साधारण ब्याज का मतलब है विद्यार्थी, जैसे आपने 1 साल के लिए लिया तो 1100 रुपया देना पड़ेगा। तो मतलब 1 साल में 100 रुपया आपने ब्याज दिया। अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो बस ये 100 रुपया और ऐड हो जाएगा इसी में, मतलब 1200 रुपया हो जाएगा। 3 साल के लिया तो 1300 रुपया हो जाएगा। मतलब हर साल अगर 1 साल में 100 रुपया आपको ब्याज देना पड़ता है तो जितना साल के लिए आप लेंगे धन, वो केवल 100 रुपया और ऐड करना होगा बस, ध्यान दें। तो ये साधारण ब्याज कहलाता है। तो यही तो ये कह रहा है, ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ध्यान दें विद्यार्थी। तो पहले साल अगर 1000 पर ब्याज आपको 100 रुपया मिल रहा है या आप दे रहे हैं किसी को, तो जितने साल के लिए लेंगे 100 100 ऐड होता चला जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये साधारण ब्याज कहलाता है। अब साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे। या शॉर्ट में एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी प्रिंसिपल मूलधन हो गया, रेट हो गया आर, और टी टाइम हो गया, ध्यान दें। अगर मिश्र धन की बात करता है, मिश्र धन को ए से डिनोट किया जाता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मिश्र धन, यही 1100 हो गया। तो 1100 में क्या शामिल है? मूलधन भी शामिल है प्लस ब्याज भी शामिल है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी, टोटल कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए प्रॉब्लम, तो 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो सब कुछ दिया है, गिवन सफाइस लिखें, ये मूलधन हो गया 1600 रुपया, चलिए ये हो गया टी बराबर 2 वर्ष तो आपका कंप्लीट है, प्लस 3 महीना उसको भी वर्ष में बदल लिया जाए, ये 3/12 हो जाएगा। यस, तो 3 × 1 = 3 = 12, तो 4 × 8 = 9/4 वर्ष आया विद्यार्थी। यस, मतलब 1/4 = 2.5 वर्ष प्लस 2 वर्ष 2.25 वर्ष आ रहा है टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 252 और आर आपसे पूछ रहा है बस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो 252 इज इक्वल टू पी है 1600, आर आपसे पूछा है और टाइम है 9/4 अपॉन 100। ये तो कट जाएगा यहां से, देखिए 4 × 16 ये कट रहा है और 4 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 9 × 7 = 63 तो R इज इक्वल टू 7%। तो विद्यार्थी हम समझते हैं आप ये समझ चुके हैं। तो आप बहुत जल्दी में हैं, तो
तो पढ़ते समय सब पता चल जाता है, डायरेक्ट जो है वैल्यू लिखना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया वैल्यू रखो, और पी 1600 होता है, आर पूछा रहने दो, और ये आपको टाइम ध्यान देना है, टाइम विद्यार्थी हमेशा यहाँ वर्ष में लिख लीजिएगा जरूर, इस टाइप से महीना वगैरह रहे तो, क्योंकि 3 महीना दिया है, 3 महीने में अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ष पता चलेगा 1/4 वर्ष हो जाएगा, या 0.25 वर्ष हो जाएगा 3 महीना, इसमें ऐड करेंगे इतना आएगा। यस, क्वेश्चन 2 देखा जाए विद्यार्थी, क्वेश्चन 2 कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। यस, तो जहां पे इस टाइम का धन आपको मानना पड़ जाए, क्योंकि यहां पे मूलधन पता ही नहीं है और परसेंटेज वाला सवाल है, तो ऐसे केस में मूलधन को 100 रुपया मान लेना चाहिए, तो सवाल जल्दी हल होता है। तो माना मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 रुपया प्लस 100 का 40% 40 रुपया और हो जाएगा, तो 140 रुपया मिश्र धन हो गया। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज जो हो जाएगा 140 से 100 घटाएंगे 40 रुपया हो गया, और आपसे कितने वर्षों में टाइम पूछा है, तो बस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। तो ये साधारण ब्याज देखिए आपका ये 40 रुपया हो गया, और पी 100, आर 5%, और टाइम अननोन है, अपॉन 100 कट गया, तो 5×40 तो 8 वर्ष आया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत जल्दी से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं विद्यार्थी। यस, हाँ कोई लड़का कहे नहीं हम x मान के लगाना चाहते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, माना मूलधन कितना है 100 रुपया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40% वृद्धि है, तो 140x अपान 100 हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे देखिए, अरे भाई x है तो उसमें 40x का 40% जोड़ेंगे ना, x+x का 40% माने 40/100, यही तो आएगा 140x अपान 100, ये हो गया क्या मिश्र धन। अब ब्याज की बात करोगे, जब यहां से ब्याज कैसे निकालोगे, हाँ इसमें से इसको अब आपको घटाना पड़ेगा, 140x अपान 100 में से x घटाना पड़ेगा, तो आएगा 40x अपान 100, इतना आ गया ब्याज। अब इसमें आपको सब वैल्यू रखना है हर जगह, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी, पी आप माने हो x, हाँ आर 5 है और टाइम अननोन है, अपान 100, देखो तो तभी आपका आ गया, तो x x कैंसिल हो जाए, 5×40 टी बराबर 8 वर्ष तब भी आए। थोड़ा घटाने उठाने में दिक्कत होगी विद्यार्थी, देखिए कंसेप्ट है ये पूरा कंसेप्ट, ये कभी धोखा नहीं दे सकता। हाँ तो परसेंटेज वाले 100 मानने से क्या है, कैलकुलेशन हल्का हो जाता है, जल्दी में आपका काम हो जाता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। यस, तो ध्यान दें, तो पहले वाले से आप रेट ज्ञात कर लीजिए, तब 2% और ऐड करके तब ज्ञात कर लेना, बाद वाली राशि पूछा है, ध्यान दें तो परेशान न हो। देखिए विद्यार्थी बहुत साफ, पहले हम गिवन वगैरह सब लिख दिए हैं, फार्मूले में हल कर दिए हैं, ताकि कमजोर भी लड़का आसानी से समझ सके और जो तेज है वो जल्दी जल्दी भी देख लेंगे। हाँ तो गिवन में यहां लिखा है पी 400 दिया है और टाइम 4 वर्ष और मिश्र धन कितना है 480 रुपया हो गया, बाद में इतना हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अरे भाई 480 में से 400 निकाल देंगे तो 80 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें इस गिवन की सहायता से यहां आर पहले फाइंड कर लीजिए, तो बस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो जिनका जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फार्मूला न लिखे, कंपटीशन में जल्दी करना रहता है, तो 80 यहां रख देंगे, पी 400 आपको मालूम है, आर अननोन है, टाइम 4 वर्ष दिया ही है, 0 0 कैंसिल हो गया, 4×16 16×25 80, आर बराबर 5% आ गया। अब जो कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 5 आया है इस गिवन डाटा से, तो 5×2 7 बढ़ाने के बाद 7% हो गया,
अब फिर फार्मूला लगाया जाए सिंपल इंटरेस्ट अब कितना होगा, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये 400 गुणे 7 अब की प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बढ़ाने के बाद रेट पूर्ण है और गुणे 4 वर्ष तो अभी है, तो अगर 7% रहा होता ब्याज की दर तो उसे जो ब्याज मिलता है 112 रुपया मिलता, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 400 + 112 512 रुपया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे 480 भी मिश्रधन ही है पहले वाले, जब आपका 2% आया 5% रेट आया उसके लिए वो मिश्रधन ही है, तो वही तो ये कह रहा है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाता है, मिश्रधन 480 हो जाता है, रेट कितना बढ़ा दिया जाए मतलब पहले जो रेट था उसमें 2% और बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद, मतलब मिश्रधन पूछा है तो राशि कितनी हो जाएगी 512 रुपये हो जाएगी। तो हम समझते हैं विद्यार्थी आपको पता चल गया होगा जो पहले गिवन था उसकी सहायता से आप रेट फाइन कर लीजिए। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए मतलब जितना पहले था उसमें 2% और ऐड किया जाए, तो ऐड करने के बाद जाए अब ब्याज यहां कर लीजिए, ब्याज पता चल गया तो ही मूलधन में जोड़ देंगे तो कितनी धनराशि हो जाएगी वो पता चल जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए विद्यार्थी, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। यस, 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, ऋण स्वरूप ली गई मूलधन राशि थी। यस, तो जो गिवन है विद्यार्थी वो चीज देखिए, पहली बात इसमें मूलधन कहीं नहीं मालूम हुआ, आपसे पूछा है, माना मूलधन यक्स है और आर 12% दिया, ये गिवन में लिख दिया गया, टाइम 3 वर्ष वो भी लिख दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट वो केवल ब्याज के रूप में 3 वर्ष में लौटाया कितना 5400 रुपया, तो जाहिर है लंबा पैसा लिया होगा, हाँ मूलधन वाला ब्याज के रूप में लौटाया। अब मूलधन वही पी अननोन है आपका, वही आपको फाइंड करना है पी, तो पी आप एक्स माने हैं मूलधन, बस खत्म, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो साधारण ब्याज जो आया 5400 रुपया यहाँ आया, मेन आपका क्या है 5400 रुपया हो गया, और पी एक्स है आर 12% और टाइम 3 वर्ष अपॉन 100, इतना हो गया विद्यार्थी। तो ध्यान दें यहाँ 3 से पहले काट दिए 5400 को, 3 × 3 = 24 1800 रुपया आया, फिर 6 से काट दिए 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 तो 300 हो गया यहाँ 2 हो गया। यस यस, और 2 से और काटे तो 150 हो जाएगा, 150 में जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15000 रुपया आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। विद्यार्थी जब एक बार समझ चुके हैं तो काफी जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन करना चाहिए और इतना समय में करना चाहिए, जिस टाइप का आपका पेपर होता है उसी टाइप से किसी भी एग्जाम से पहले आपको उतना क्वेश्चन उतने समय में अंदर में आपको अपने घर पर ये काम कर लेना चाहिए, तो आप इसे काफी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कौन सी राशि मतलब पी जो है आपका अननोन है मूलधन, और 6 महीने का जो टाइम होता वर्ष में लिखना है, तो 6 महीने को वर्ष में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 वर्ष आया, चलो ठीक है, ब्याज की दर 4% दिया है, 4% की दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 150 रुपया, बस विद्यार्थी फार्मूले में रख देना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या पीआरटी अपॉन 100, 150 रुपया ये गिवन है, पी आपका नोन है, आर 4% और टाइम 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, अपान 100 है तो यहां रहेगा बगल में, तो 1/2 का स्थान पर केवल ऊपर ही लिखना चाहते हैं 0.5 लिखिए, तब वो वही बात है। यस, तो 2 × 2 = 4 तो यहां बचा 2, अब 150 में ये सरल करेंगे तो 2 से काटेंगे ये 75 हो जाएगा, 75 × 100 7500 रुपया, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी बुक में बहुत सवाल दिए हैं, आप कोई भी हल कर सकते हैं, तो साथ ही आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला सवाल देखा जाए, एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 / 4
प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा, मतलब भिखारी खुद भीख दे रहा है, भिखारी खुद भीख दे रहा है। यस, एक तो ये बैंक से 5,000 रुपया लिया 2 वर्ष के लिए, 4% ब्याज की दर पर इन्हें ब्याज देना था, पहला केस हो गया। अगर ये आदमी खुद देता तो कितना देता, पहले इसको हल कर लिया जाए। पी 5,000 है, टी 2 वर्ष है, आर 4% है। यस, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से फाइंड कर लेते हैं, पी आर टी अपन 100। तो 5,000 × 4 × 2 / 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 50 हुआ, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 400 रुपया इसे ब्याज दे। अगर ये खुद देता तो 4% ब्याज दे देता, किसको, अरे जिसे 5,000 रुपया लिया है। लेकिन यह आदमी संयोग से इसका काम हो गया होगा कोई बात है, या नहीं जरूरत पड़ी होगी, या लगा होगा अब हमारे बिजनेस में घाटा हो जाएगा जो इस पैसे से हम काम करेंगे, तो उसने क्या किया, तत्काल किसी और आदमी को आवश्यकता रहा होगा, उसने मांगा होगा, तो उसने जो है 6 से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। अभी 400 आ गया था, उसके बाद देखिए दूसरा केस, अब आर दूसरा हो गया, लेकिन टाइम वही 2 वर्ष है, उतने है वर्ष के लिए। हाँ, अब साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, तो 500 × दर, दर जो है 6 से 4, मतलब 4×6 = 24 से 25/4 रख दिया आर के स्थान पे। टाइम 2 वर्ष अब भी है, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आया देखिए 2 × 2 = 4, इसको सरल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 रुपया। अगर ये खुद देता तो 400 रुपया देता, ज्यादा देना पड़ता इसको, लेकिन अब ये वही पैसा दूसरे आदमी को दे दिया, उससे ज्यादा दर पर ले दे दिया, तो जाहिर है कि 625 में से 400 रुपया निकालेंगे तो जो बचेगा 225 रुपया, 225 रुपया इसका बच गया, ये चीज है। हाँ, क्योंकि 225 रुपया इस आदमी से ज्यादा पा गया ना, खुद देता तो 400 रुपया देना पड़ता, लेकिन दूसरा आदमी पहले वाले आदमी को दे रहा है 625 रुपया, तो 400 रुपया वो दे देगा जिसको लिया है, और 225 रुपया अपने पास रख लेगा, तो उसका लाभ हो गया उतना। यस, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है विद्यार्थी, तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7,300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। ये विद्यार्थी आपको आंसर दिया हुआ, इसका सलूशन खूब ध्यान से देखा जाए विद्यार्थी, जो गिवन है मैं सफाई लिख दिया हूं, पी 7,300 रुपए और रेट 5%, और टाइम जो विद्यार्थी है 11 मई हो गया, तो 11वां दिन वाला वो सम्मिलित है, तो ऐसे में मई में 21 दिन बच रहा है मई, उसके बाद जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, इतना हो गया आपका, और सितंबर में 10 दिन ही केवल लेना है, तो ये टोटल दिन ऐड करने पर 123 दिन हो रहा है, और 123 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 दिन से भाग देंगे। यस, 365 दिन में भाग देंगे तो हमारा वर्ष आ गया। अब साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100, तो 7,300 × 5 और गुड़े टाइम आपका कितना, 123 / 365 / 100 ये रहेगा, तो 00 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करोगे विद्यार्थी, एक्यूरेट वैल्यू 123 आएगी, देखिए 5 × 3 = 15, 5 हंसले 5 × 7 = 35, 1 = 36, मतलब ये जो है मिला के इससे टोटल कैंसिल हो रहा है, 123 रुपया आपका आंसर आ रहा है। लेकिन विद्यार्थी परीक्षा में आपको समय बचाना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा ये चीज आप मत करिए, इससे एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ये सब झंझट मत पालिए। यहाँ पे देखिए, ये 4 महीना हो रहा है, हाँ 11 मई से शुरू करना, तो 11 जून 1 महीना हो गया, 11 जून 1 महीना, जुलाई 11 जुलाई 2 महीना, अगस्त 3 महीना और सितंबर 4 महीने, लगभग 4 महीना हो रहा है, तो इस टाइम के स्थान पर 4 महीना / 12 महीना,
तो ये हो गया 1/3 वर्ष, लगभग आएगा 100% एक्यूरेट नहीं है, 2-4 दिन का फर्क होगा इसमें। हाँ, तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए, इसके स्थान पे 1/3 लिखना चाहिए। देखिए, तो 7300 × 5 × 1/3/100, तो इससे क्या कैलकुलेशन जल्दी हुआ। अब ये चीज दिन उन गिनने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा तो आप फंस जाएंगे, ध्यान दें। तो इससे हल करने पर 120 कुछ करके आ रहा है, तो 120 कुछ करके आ रहा है, 120 के नजदीक वाला वैल्यू सबसे कौन है, यही है। 120 कुछ आ रहा है तो 123 वाला आंसर ही नजदीक है, और ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, तो अपने आप ये सही हो जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट अपनाइएगा विद्यार्थी, ध्यान दें। लास्ट सवाल देखा जाए, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक, 3,500 रुपए को 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है, शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि वार्षिक आय, उसकी वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। मतलब वो 10,000 रुपए की बदौलत हर साल जो है 500 रुपया वो कमाना चाहता है, हर सालों का घर बैठे मिला करे वो चाहता है, लेकिन उसने पैसा 10,000 रुपए टोटल धनराशि तो है, लेकिन पहले आदमी को दिया, इसमें वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की वार्षिक, तो एक वर्ष के लिए हमेशा हो रहा है, तो पहले जो 4,000 रुपया दिया इसका एक वर्ष में ब्याज कितना पाता है, तो 4,000 × 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए 100, तो 4,000 रुपए का एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। देखिए 5×4=20, 200 रुपया पाया, 4,000 रुपया 10,000 में से 4,000 रुपया दे दिया, उस पर 200 रुपया सालाना उसको मिल रहा है। अब फिर 3,500 रुपया अलग से दिया, 3,500 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी और आदमी को दिया होगा, 3,500 रुपया किसी और आदमी को दिया, एक वर्ष में ब्याज 3,500 का कितना मिलता है, तो 3,500 × 4 × 1/100 कट गया, 4×5=20 के 0 × 2 = 12 × 14, 140 रुपया पाया वो, तो हो गया 340 रुपया पा गया। अब 160 रुपया और रुका जरूरत है, अभी धन भी तो बचा होगा, अब देखिए शेष धन कितना बचा, टोटल 10,000 और जौने में 4,000 और 3,500 रुपये खर्चा, 7,500 रुपया दे चुका है, बचा उसके पास धन है देने के लिए किसी और आदमी को देगा, 2,500 रुपया और है निवेश करने के लिए, तो शेष धन हो गया, और ये किस दर से निवेश करे, तो दर अननोन हो गया, टाइम अभी एक वर्ष है, हमेशा वार्षिक एक वर्ष यहां पे हो रहा है, तो शेष कितना बचा, मतलब शेष इंटरेस्ट कितना बना बचा, ब्याज जो और चाहिए, मतलब कितना हुई, 340 रुपया मिल रहा है, 160 रुपया और अगर शेष धन से, मतलब 2,500 रुपया हुआ, अगर 160 रुपया ब्याज और हमको दे दे, तो हमारा 500 रुपये की कंडीशन भी पूरा हो जाएगी, घर बैठे हर साल जो है हमको 500 रुपया मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, और 10,000 रुपया तो आपका सेफ है, ये जिसको दे चुके हैं जितने लोगों को। तो अब शेष ब्याज कितना, 160 रुपया बचा, अब उसी फार्मूले में विद्यार्थी हम रख दिए हैं, तो ब्याज इक्वल पीआरटी अपॉन 100, तो शेष ब्याज जो और आपको चाहिए, क्योंकि 340 तो आप मिल चुका है, 160 रुपया और चाहिए, तो 2,500 रुपये वो चीज और लेना है आपको, 160 = 2,500 रुपया × r × 1/100 कैंसिल हो गया, मतलब 160/25, 5×25 5×3=15, 5×2=10, तो 5×36 और 5×6.4%, विद्यार्थी हम ऑप्शन नहीं लिख पाए, तो ऑप्शन सी उसका करेक्ट है, 6.4% की दर से अगर वो 2,500 रुपए को एक वर्ष के लिए देता है तो उसको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 160 रुपया मिल जाएगा, और उसे हर साल घर बैठे 500 रुपया मिलता रहेगा। तो अपने 10,000 रुपए को 3 जगहों पे निवेश किया है, एक यहाँ पे, और शेष धनराशि 2,500 रुपया उसे जो है 6.4% से अगर वो देता है दर से, तब जाके 160 रुपए की भरपाई हो पाती है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।